बाकी तो ये है, लेकिन ये जो इसका स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये कहलाता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। रूट्स डिपेंड इसी पे करती हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हम कहते हैं रूट्स अनइक्वल है और कॉन्वेक्स है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है तो हम कहते हैं रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं और रैशनल हैं। और यही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहते हैं रूट्स रियल और अनइक्वल। लेकिन अब दो बातें हो सकती हैं, रियल तो है अनइक्वल भी है, लेकिन रैशनल है या इरेशनल, ये डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए। और कोई नंबर है लाइक 16 या 25 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स रैशनल होंगे, और कोई नंबर लाइक 17 19 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स फिर इरेशनल होंगे। इन जैसे सवाल आपको करने का ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि ऑप्शन की मदद से, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन जीरो है और एक थ्री है तो हम क्या करेंगे, एम की जगह जीरो या थ्री पुट करके देखेंगे। वैसे वेल m की जगह जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर और यहाँ m ज़ीरो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर मामला आपका सही है। जब m की जगह ज़ीरो पुट कर रहे हो तो ये पट तो ज़ीरो, माइनस टू का स्क्वायर फोर, m की जगह ज़ीरो पुट किया यहाँ से वन आया यहाँ से वन, फोर माइनस फोर ज़ीरो, जब भी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए आपका आंसर करेक्ट होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल, तो एम जीरो रखने से भी आ जाएगा और एम थ्री रखने से भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू, बड़ा अच्छा सवाल है। एम की किस वैल्यू पे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, इक्वेशन क्या है, वन प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस टू वन प्लस थ्री एम एक्स प्लस वन प्लस एट एम इक्वल टू जीरो, पास पेपर में आया हुआ बड़ा अच्छा सवाल। तो देखो ये हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स हमारी जो है वो रियल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, रैशनल भी होते हैं, तो ये तो उन्होंने कह दिया कि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है, जीरो के। अब याद रहे जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है बी होता है, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी होता है। सो भाई यहाँ पे हमने माइनस टू वन प्लस थ्री एम का होल स्क्वायर माइनस फोर ए वन प्लस एम और वन प्लस एट है, ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। माइनस टू वन प्लस थ्री एम का स्क्वायर माइनस फोर वन प्लस एम वन प्लस एट है, भाई ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर, ये ए हमारा ये सी, इस इसको इक्वल होना है ज़ीरो के। और भाई फिर क्या करना है, हमने ज़ाहिर है इसको सॉल्व कर लेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी, और ये वो इतना मुश्किल काम नहीं है भाई, आप लोग ज़रा करके दिखाइए मुझे कि एम क्या आ रहा है। नेचर ऑफ द रूट पे जो आए हुए सवाल है पास पेपर के कैसे आए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और कह क्या रहे हैं भाई इसकी नेचर बता, तो सीधी साधी बात है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लेंगे जो कि इस केस में माइनस एट आएगा। माइनस एट आने का मतलब क्या है कि रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल, ठीक है जी। एक और बड़ा पास पेपर में आया हुआ सवाल, इक्वेशन दिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो और व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स आर इक्वल, तो यार इसका मतलब है कि हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ज़ीरो पुट कर लेंगे, यानी के स्क्वायर माइनस फोर ए फार्मूले का सी ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, के स्क्वायर तेरह माइनस फोर थ्री ट्वेल्व ज़ा थर्टी सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी के स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू थर्टी सिक्स। अब के बराबर किसके हो जाएगा, फोर का रूट टू थर्टी सिक्स का सिक्स, तो ऑफकोर्स प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, टू सिक्स का कितना होता है ट्वेल्व, फाइनल आंसर के इक्वल टू प्लस माइनस ट्वेल्व। तो जो आज हम एक बड़ा हेम टॉपिक कर रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए कहलाता है, जो एक्स के साथ होता है बी, और कॉन्स्टेंट कहलाता है सी, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये चीज़ कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट, और ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो दो बातें तो कंसर्न कि रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। क्या मैंने कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, रियल और अनइक्वल तो है,
लेकिन आप फर्ज करो कोई वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 16 है, किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 17 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसकी रूट्स रियल और इनइक्वल तो होंगी, साथ साथ रैशनल होंगी, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कहलाएंगे इरेशनल। अब मेरे भाई एक और बात, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ रहा है नेगेटिव में, तो फिर रूट्स आपकी कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल, और अगर यही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो रूट्स रियल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, और साथ साथ रैशनल भी होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में कंडीशन आती है वो ये इक्वल वाली आती है, इक्वल वाली कंडीशन से रिलेट बहुत सारे सवाल आते हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। तो अब हम करना शुरू कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस फोर के बराबर है तो कितने रियल रूट्स होंगे। वैसे डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, लेकिन अगर ये माइनस फोर के बराबर है तो इसका मतलब रूट्स होंगे ही नहीं, रियल रूट्स क्या होंगे जीरो। एन ई डी में सवाल 2021 में कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है कि जी अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस फोर है तो रियल रूट्स कितने होंगे। देखो बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये कहलाता है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना पार्ट जो स्क्वायर रूट में होता है, अरे ये ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स होती हैं रियल और अनइक्वल। लेकिन ग्रेटर देन जीरो में दो बातें हो सकती हैं, कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है लाइक 16 जैसा, या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लाइक 17 जैसा। देखो रेल और अनइक्वल तो ये दोनों है, लेकिन ये जो 16 वाला है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है रेल और अनइक्वल के साथ साथ रैशनल है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये इरेशनल है। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और साथ साथ ही अनइक्वल, और अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये इस पर बहुत आते हैं सवाल, फोर ज़रा सही कर लें, इक्वल टू ज़ीरो है तब क्या होगा। हाँ जना रूट इक्वल होंगे, रियल भी होंगे और साथ साथ रैशनल भी होंगे। सो भाई ये हो गया पहले बेसिक इंट्रोडक्शन नेचर ऑफ द, बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ एम एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो फाइंड एम सच दैट एम मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इक्वेशन मस्ट हैव रैशनल रूट। देखो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी की जगह हमारे पास माइनस एम मौजूद है, माइनस फोर फार्मूले का ए की जगह एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन एम और सी की जगह पर, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एम इक्वल टू ज़ीरो। एम स्क्वायर माइनस फोर एम इक्वल टू ज़ीरो में से हम एम कॉमन ले लेंगे बच्चों, अब जाहिर है एम ज़ीरो तो होने से रहा, तो एम की वैल्यू क्या होगी फोर होगी, और यही हमसे पूछा था, यही हमारा